सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बात 2013 की है। INS सिंधु रक्षक। इस डीजल पावर्ड वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है, क्रू के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। ये हादसा बहुत दर्दनाक, और जो नेवी के जवानों के साथ घटा होगा उसकी तो तुम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आज का हमारा ये वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों के जिंदगी के ऊपर, उनकी लाइफ कैसी रहती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नौसैनियों का जीवन आसान नहीं होता। उनके परिवार वाले बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो वो सिर्फ 20 और 30 दिन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये मिशन 45 और 50 दिन में खुलकर सामने आता है। परिवार वाले को बस इतना पता होता है कि ये सिर्फ ड्यूटी पर जा रहा है, इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं होती है। परिवार वाले को तो ये भी पता नहीं होता है कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहा है और कब वापस आएंगे। उनके अभियान के जानकारियों को सिर्फ उनके मुख्यालय, उनकी खबर और सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसेनक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। पनडुब्बियों में पानी की बेहद कमी रहती है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में हैं तो उनको मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है सिर्फ, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज़ को इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसमें जितने भी दिन वो पानी के अंदर रहेंगे बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिन तक पहनते हैं और उसे फेंक दिया जाता है। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल और रोटियां, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है, और अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास टिन में पैक ऑलरेडी जो खाना रहता है उसको कभी भी इस्तेमाल और खा सकते हैं। खाना बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं ना उठे, इसलिए ख़ास तौर से सादा खाना बनाया जा सकता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और लपटे भी। शारीरिक कष्ट। पनडुब्बी जब भी समुंदर के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहाँ भी सोए जाते हैं जहाँ मिसाइल्स और बम्स रखे होते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ठंडी हुई जाती है। जब वो समुंदर के सतह पर आते हैं तो बाहर आते वक्त नौसैनियों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते समय उनके कानों पर का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन। पर हमारा सलाम उन बंद कंटेनर में धड़कते हुए दिलों का, जो धड़कते भी इसलिए है कि देश सुरक्षित रहे। हमारा ट्रिब्यूट इंडियन नेवी और इंडियन फौजी को जो सबमरीन्स पर रहते हैं, देश की सेवा करते हैं। आप भी फैलाइए इनका शौर्य और शेयर कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, आइए हमारी चैनल पे और देखिए ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। धन्यवाद।